अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको फिंगर चिप्स बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो उसमें भी आप ये बना के खा सकते हैं। फौरन से घर में हर एक के आलू होते हैं, आलू छीला, फिंगर चिप्स काटी इस तरह। चाहे आप ये देखें, मैंने कुछ लंबे कतले काटे हैं और कुछ छोटे काटे हैं आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह फटाफट आप फिंगर चिप्स काट लें और इसे फ्राई करके हल्की फुल्की भूख में हल्की फुल्की फिंगर चिप्स ये मैं अब डालने लगी हूँ। इस पर आप डालिएगा, ये मैंने इसका पानी देखा बिल्कुल भी नहीं है। पानी इसका मैंने अच्छी तरह मैं तोड़ लिया हुआ, इसे अच्छी तरह आलुओं को मैंने धो के रख लिया हुआ। और इस मौसम में आलू ठीक ही आ रहे हैं, कोई इन्हें नमक लगा लगा के धोने की जरूरत नहीं है आलुओं को। और फिंगर चिप्स हमेशा बनाए, पकौड़े बनाए, आपने आंच स्लो नहीं करनी, वो सही तेज रखनी है, क्योंकि ये जब ये फ्लेम तेज होगी ना उसमें ये सही बनेंगे, नहीं तो ये आलुओं में भी पानी भर जाता, ये घी भर जाता है और पकौड़ों के अंदर भी घी भर जाता है और वो भारी भारी हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता। ये चाहे तो आप बच्चों को सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद दो तीन आलू सब्जी वाले से बड़े बड़े लिया करें। दो बच्चों ने स्कूल जाना है, तीन ने जाना है, बड़े बड़े तीन आलू लिए, उनके छीले छिलके और फिंगर चिप्स बनाई। और सबसे पहले साफ नाश्ता बनाया, साथ एक साइड पे इस तरह कढ़ाई रख दी, उसमें जो है ऑयल डाल के, ऑयल हमेशा गर्म होना चाहिए। और आपने इसी तरह फिंगर चिप्स काटी और वो डाल दी। और जब भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में फिंगर चिप्स डाल के दें या कोई भी चीज़ डाल के दें, उसमें से अच्छी तरह उसकी भाप निकल जाने दिया करें, नहीं तो वो भाप बन के और सारा बीच में पानी पानी इकट्ठा हो जाता है, बच्चों का दिल नहीं करता। ये नीचे ना कोई किचन टावल में कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ट्रे के ऊपर, और उसके ऊपर ये फिंगर चिप्स निकाल के हल्की सुनहरी करके तो वो बिछा दें, मैंने हल्का सा नमक मिक्स करके, तो जब भाप निकल जाए तो बच्चों के लंच बॉक्स तैयार कर दें। ये मैंने एक मैंने वो निकाल ली है डाल के, और वो देखें मैंने नीचे जो आपको देसी तरीका बताया ना, फिर नीचे ट्रे के ये ट्रे रखें और मीडियम साइज की, और ऊपर ये रोटियों वाला कपड़ा रख के ना ऊपर ऐसे चिप्स खिला दे, इसमें से एक जो ज़्यादा बीच में ऑयल रह जाता है ना वो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा ये कि इसमें से भाप भी निकल जाएगी। और इसी तरह से आप जो है ये बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। और अगर आपको भूख लगी हुई है, यानी खाना इंसान खा लेता है लेकिन फिर भी कोई चटपटा खाने को जी करता है, तो इसी तरह आप फिंगर चिप्स बना के ऊपर चाट मसाला डाल के और साचाई बना के 4 बजे वो भी खा सकते हैं। और जब गर्मियों के रातें भी लंबी होती हैं, इंसान टी वी देख रहा होता है वीकेंड पे लेट नाइट, तो दिल करता है कुछ खाने को, तब भी ये लाजमी नहीं कि ये औरतें या लड़कियाँ बना सकती हैं, ये मर्दों के लिए भी इंतहाई आसान डिश है कि वो आलू छीलें और जल्दी से। आजकल मशीनें भी आ गई हुई हैं और छुरी से भी इस तरह ये फिंगर चिप्स की इंसान शेप दे के और फ्राई कर सकते हैं, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बना के ज़रूर खाइएगा और बच्चों को भी लंच में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी पसंद आई है रेसिपी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।